पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। दो दिन पूर्व हुए छोटू के हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना के बारे में पटना सिटी एडिशनल एसपी मनीष कुमार ने बताया कि दो दिनों पहले बाईपास थाना क्षेत्र के महारानी कॉलोनी के पास एक तालाब से छोटू नामक युवक की लाश बरामद की गई थी, जिसकी हत्या चाकू से गोद कर दिया गया था। उसकी हत्या उसकी दोस्त सोनू ने ही की थी। मामले में यह भी बताया गया कि सोनू और छोटू दोनों आपस में सट्टा खेलते थे, जिसमें पैसे के लेन देन में ही सोनू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे घर से बुलाकर ले गया और फिर उसकी हत्या चाकू से गोद कर दी। पुलिस ने दो दिनों में ही मामले का पट्टापेक्ष कर दिया और गिरफ्तारी भी कर ली। पुलिस ने हत्या के मामले में सारे अपराधियों की धरपकड़ कर मामले का उद्भेदन कर दिया है। मृतक जो था और ये सोनू जो था, ये दोनों सट्टा खेलते थे। तो सोनू के द्वारा मृतक से कुछ पैसा लिया गया था, उसी के पैसा को लेकर विवाद हुआ था। और घटना के दिन भी ये जो मृतक था, ये अपना पैसा लेने के लिए ही गया था। उसी दौरान इन लोगों के द्वारा प्लान करके हत्या की गई। कहाँ से इसकी लाश बरामद हुई थी सर? इसकी लाश बरामद हुई थी एक तालाब के पास से, वो वृद्धाश्रम है बाईपास में, उसके करीबी तालाब है ये। खबरदार, क्या बरामद हुआ सर उसके पास? उसमें जो चाकू, जिस चाकू से हत्या की गई है, वो चाकू बरामद हो गया है इनकी निशानदेही पे। और जिस बैग में चाकू लेकर गए थे, वो बैग भी बरामद हो गया है। जहाँ इन्होंने चाकू तेज कराया था, उसका भी पता हमने करा लिया है। दिन से ये प्लान वे में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडीएफ न्यूज़, पटना।